दोस्तों आज मैं आपको 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये रेजिस्टेंस है और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसका इस्तेमाल हम करंट को कम करने के लिए या फिर वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कई वैल्यू के पाए जाते हैं और इनकी वैल्यू को हम इनके कलर कोड से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको जानना है कि कलर कोड से कैसे वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है तो मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। ये पोटेंशियोमीटर है, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये कैपेसिटर है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसे हम बेसिकली एसी करंट को डीसी करंट में फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह भी किया जाता है। ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर और फिल्म कैपेसिटर। सारे अलग अलग है लेकिन सबका काम एक ही है। बस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को हम डीसी में यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस पोलैरिटी होती है। ये इंडक्टर है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसका भी इस्तेमाल हम बेसिकली फिल्टर और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह करते हैं। ये डायोड है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं और ऐसी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं जहां हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को पहुंचाना है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसका नंबर है 1N4007। ये 1 एम्पियर का डायोड है और ये दूसरा है, ये 3 एम्पियर का डायोड है। ये आईसी है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये कई सारे साइजेज में अवेलेबल है, जैसे कि आपका 8 पिन, 16 पिन, 14 पिन और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये बेसिकली ब्रेन ऑफ कोई भी सर्किट होता है, मतलब इसी में सारा कुछ होता है जो कि हर एक कंपोनेंट को इंस्ट्रक्शन देता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये फिलहाल मेरे पास एक 555 टाइमर आईसी है जो कि मोस्ट पॉपुलर आईसी है, और उसके बाद ये एक है CD4047 जो कि एक ए स्टेबल और मल्टी स्टेबल वाइब्रेटर है। ये वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसके इनपुट में अगर आप वेरिएबल वोल्टेज दोगे तो ये आउटपुट में कॉन्स्टेंट वोल्टेज निकालता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये है 7805 जो कि प्लस 5 वोल्ट निकालता है। ये है आपका 7812 जो कि प्लस 12 वोल्ट निकालता है, और ये है आपका 7815 जो कि प्लस 15 वोल्ट निकालता है। इनपुट वोल्टेज आप मैक्सिमम 40 वोल्ट तक दे सकते हो। ये मॉस्फेट है और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये दो टाइप में पाए जाते हैं, NPN और PNP, या फिर NMOS या PMOS। इसका इस्तेमाल बेसिकली स्विचिंग में किया जाता है, जैसे कि आपका इन्वर्टर्स में कोई छोटे से सिग्नल को काफ़ी हाई एम्पलीफाई कर देता है। ये ट्रांजिस्टर है और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक है आपका PNP और एक है NPN। इसका इस्तेमाल सबसे मेनली एम्पलीफायर्स में किया जाता है क्योंकि ये बहुत छोटे से करंट को बहुत हाई करंट में कन्वर्ट कर सकता है। ये रिले है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसे बेसिकली मैकेनिकल स्विच भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है जो कि जब एक्टिवेट होता है तो स्विच ऑन हो जाता है और जब डीएक्टिवेट रहता है तो स्विच ऑफ हो जाता है। ये LED है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है और ये कई कलर के पाए जाते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, येलो। तो इसे आपने कई जगह देखा होगा, जैसे कि आपके चार्जर्स में, टॉर्चेस में। जो इसका मेनली यूज़ है ना, इसे इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कोई चीज़ अगर चार्ज में लगाते हो तो वो रेड कलर का रहता है, जब फुल चार्ज हो जाता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो बेसिकली ये हमें एक इंडिकेशन दिखाता है कि कोई भी चीज़ कम्प्लीट हो चुकी है या फिर कम्प्लीट हो रही है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में बताया है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा जिसमें और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, एक लाइक जरूर से कर देना और अगर चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो पर।